नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार से मिला झटका। आज रात 12 बजे से खाली होने लगेगा पटना का मीठापुर बस स्टैंड। अगले 48 घंटे में भारी बारिश होने का किया गया अलर्ट। बिहार में अब वेबसाइट के माध्यम से करवा सकेंगे पुलिस में शिकायत दर्ज। अनलॉक 5 में धार्मिक स्थानों को लेकर हो सकता है फैसला। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। RTE कानून के तहत पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल से निकाले जाने पर होगी कार्रवाई। बिहार में वैसे निजी स्कूल जहां पर शिक्षा के कानून के तहत निर्धारित कोटे में कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, वैसे बच्चों को स्कूल से बाहर किए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। ये बातें बीते दिन विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कही है। दरअसल सदन में राजद विधायक रामचंद्र पूर्वे ने पटना, दानापुर, सिवान और अररिया के कुछ स्कूलों का उदाहरण देकर सवाल किया था कि वहां से बच्चों को निकाला गया है, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन सभी जगहों पर शिक्षा के कानून के अधिकार के तहत आरक्षित बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में 25% वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाता है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश होने का किया गया अलर्ट। बिहार के दक्षिणी भाग में बसे जिलों में अभी से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में हल्की से बीच की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पटना, नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर, गया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, वैशाली, अरवल समेत कई जिलों को 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी पश्चिमी चंपारण, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व जिलों को लेकर 1 अगस्त यानी कि कल के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वेबसाइट के माध्यम से करवा सकेंगे पुलिस में शिकायत दर्ज। अब आपको शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम आप घर बैठे भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ने नए कलेवर के साथ अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसके जरिए कई सेवाओं का फायदा आम जनता उठा पाएंगे। इस वेबसाइट का नाम biharpolice.in है। आप शिकायत दर्ज करने के लिए http://biharpolice.in ऑनलाइन रजिस्टर complaint.aspx पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कोई परेशानी होने पर 1860-345-6999 पर कॉल कर सकते हैं। बता दें कि इस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए अलग से बटन है। शिकायत दर्ज करते ही बिहार पुलिस की शिकायत निवारण प्रणाली काम करना शुरू कर देगी। आप अपनी शिकायत की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही पुलिस के किसी मामले में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी आम लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार से मिला झटका। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की तरफ से दोहरा झटका मिला है। इस वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में नामांकन कराने के लिए या फिर सरकारी पद और सेवा पर बहाल के लिए 10% आरक्षण का बैकलॉग तैयार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वर्ष इस आरक्षण के तहत गरीब सवर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो आरक्षण के अंतर्गत तय रिक्तियां खुद ही खत्म हो जाएगी और अगले वर्ष यह संख्या नहीं जुड़ेगी। इसके अलावा EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ये बातें बीते दिन विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने एक जवाब में बताया है। इसकी सूचना केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर फरवरी 2019 में ही जारी कर दी गई थी। उन्होंने सदन में ये बातें भी स्पष्ट किया कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को बिहार में इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अनलॉक 5 में धार्मिक स्थानों को लेकर हो सकता है फैसला। बिहार में अनलॉक 4 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अनलॉक 5 को लेकर विचार विमर्शों का दौर शुरू हो गया है। इसे लेकर बीते दिन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के DM के साथ एक मीटिंग की, जिसमें अनलॉक 5 को लेकर क्या क्या ढील दिए जा सकते हैं इस पर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही मंदिर, मस्जिद या फिर अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने या फिर बंद रखने पर अंतिम फैसला 3 या 4 अगस्त को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया जाएगा। बताते चले कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे शांत हुई है और ताजा आंकड़ों में 457 कोविड पेशेंट हैं। ऐसे में सरकार कुछ सुरक्षा मानकों को अपनाने के साथ ही अनलॉक के 5वें फेज में स्कूल, धार्मिक स्थल आदि को लेकर कुछ छूट दे सकती है। गया में 13 करोड़ की लागत से बन रहा पुल बाढ़ में हुआ क्षतिग्रस्त। सूबे के कई हिस्सों में बाढ़ अपना कहर दिखा रहा है। ताजा मामले में गया जिले से खबर आ रही है, जहां बीते दिन शुक्रवार को नीलांजना नदी में आई बाढ़ व पानी के तेज बहाव के कारण डोभी प्रखंड के कोटवारा बाजार से लिम्बोगिरा
बड़िया तट तक बन रही पुल का कुछ हिस्सा बह गया है। इस पुल का निर्माण नाबार्ड योजना मद से 2015 में ही शुरू किया गया था, जिसकी लागत 13 करोड़ बताई गई है। गौरतलब है कि शुरू से ही निर्माण के दौरान घटिया सामग्री उपयोग होने के कारण यह पुल विवाद में रहा है। इसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुल निर्माता कंपनी तिरुपति बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसका नतीजा यह रहा कि निलंजना नदी में पानी आने से तेज बहाव में आधे बने पुल का कुछ भाग गिर गया। वहीं 6 साल बीतने के बाद भी अब तक पुल का आधा ही निर्माण हो पाया था। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार सरकार को नहीं मिल रहा है यूपी झारखंड का साथ। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के 4 साल बीतने के बाद भी अब भी सोन नदी पर बनने वाले इंद्रपुरी जलाशय योजना का काम अटका हुआ है और अब तक डीपीआर को केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है। दरअसल 4 साल पहले ही डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी एक परामर्शी समिति को दी गई थी, जिसके द्वारा तैयार डीपीआर को केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया गया था, मगर फिर भी इंद्रपुरी जलाशय योजना की डीपीआर को केंद्र से स्वीकृति नहीं मिल रही है। इस बाबत बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने बताया है कि अंतरराज्यीय दृष्टिकोण से झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस परियोजना के लिए स्वीकृति चाहिए, मगर बिहार सरकार की तरफ से काफी अनुरोध करने के बावजूद भी दोनों राज्य सरकारों की तरफ से इसे लेकर सहमति नहीं मिल रही है। इस बाबत 4 दिनों पहले भी केंद्रीय जल आयोग को एक पत्र लिखा गया है। नवादा में दीवार गिरने से हुआ दुखद हादसा। नियति का कोई भरोसा नहीं, कब किस रूप में आपदा आ जाए इसका अंदाजा इंसान नहीं कर सकता है। ताजा उदाहरण नवादा जिले से आया है, जहां एक दुखद हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई। यह मामला नारदीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों महिला शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले एक घर की मिट्टी की दीवार उन दोनों महिलाओं पर ही गिर गई, जिससे उनकी जान चली गई। दोनों महिलाएं एक ही परिवार की रहने वाली बताई जा रही है, जिस कारण उनके परिजनों समेत गांव में कोहराम समझ गया है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अवसरों के बाद अब बालू माफियाओं को लपेटे में लेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार अपने अवैध बालू खनन मिशन में गंभीरता के साथ एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है। इस मामले में संलिप्त आईपीएस, डीएसपी और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करके निलंबित कर दिया गया था, तो वहीं अब बालू माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब वैसे बालू माफिया पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अफसरों और बालू माफियाओं के बीच बातचीत और कॉल का ऑडियो सबूत जांच एजेंसी के पास है, जिस आधार पर अफसरों पर कार्रवाई की गई है। उसी बातचीत के रिकॉर्ड के आधार पर बालू माफियाओं और बिचौलियों पर कार्रवाई की जा सकती है। अफसरों ने अवैध बालू खनन में किन लोगों से बात की थी, उनके कॉल डिटेल में सारी जानकारियां हैं और इसी आधार पर सरकारी एजेंसी अवैध बालू माफिया को पकड़ सकती है। 64वीं बीपीएससी के आधार पर बिहार में 40 डीएसपी की होगी नियुक्ति। 64वीं बीपीएससी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी है। इस संबंध में बीते दिन गृह विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि 40 डीएसपी रैंक के अधिकारियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18 अगस्त को बुलाया गया है। यह प्रक्रिया बेली रोड स्थित सरदार पटेल पथ के अंडरग्राउंड कक्ष में होगी, जहां अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। बताते चले कि चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें बिहार को 14 महिला डीएसपी मिलने वाली है, तो वहीं कुल 40 पुलिस उपाधीक्षकों का चयन हुआ है। कैग की रिपोर्ट पर पथ निर्माण मंत्री ने दी सफाई। 2 दिन पहले कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश करके बिहार सरकार की कई गड़बड़ियों का खुलासा किया था, जिसमें एक मामला इंडो नेपाल बॉर्डर की सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं होने का भी खुलासा किया गया था। वहीं सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट लोहिया पथ चक्र में अनियमितता का भी खुलासा हुआ है। इस मामले में अब कैग की रिपोर्ट से पथ निर्माण विभाग की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद अब पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लोहिया पथ चक्र की जांच चल रही है, जिसमें दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक मामला इंडो नेपाल जमीन अधिग्रहण का है, तो यह मामला जिला पदाधिकारी और राजस्व भूमि विभाग के अंदर आता है। बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए 1 अगस्त से नए नियम हो रहे लागू। बिहार में अब जो बिल्डर तय समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे, वैसे प्रमोटरों या फिर बिल्डरों से एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाएगा। इसे लेकर रेरा ने नया फैसला लिया है, जो कि कल यानी कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इस बाबत रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा नहीं होने से ग्राहकों को परेशानी होती है, ऐसे में प्रमोटर या फिर बिल्डर तय समय से ज्यादा का एक्सटेंशन लेते हैं, तो नए नियम के मुताबिक उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देने के साथ ही वर्तमान फीस का दुगुना शुल्क देना होगा। इस नियम के लागू हो जाने के बाद अब बिल्डर बिल्डिंग को तैयार करने में मनमाना समय नहीं लगाएंगे, जिससे ग्राहकों को समय पर उनके प्रोजेक्ट तैयार मिलेंगे। आज रात 12 बजे से खाली होने लगेगा पटना का मीठापुर बस स्टैंड। पटना के मीठापुर बस स्टैंड आज आखिरी दिन बसों के अड्डा के रूप में रहने वाला है, क्योंकि आज रात 12 बजे से प्रशासन ने इसे खाली करने का आदेश जारी किया। बस स्टैंड को अब ISBT बैरिया में शिफ्ट किया जाना है। दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले के विरोध में आज सुबह से ही मीठापुर बस स्टैंड में बस मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दिया है।
क्रम में बस यूनियन के प्रमंडल अध्यक्ष का कहना है कि सरकार ने बस स्टैंड को शिफ्ट करने का फैसला लिया है, लेकिन अब तक सही से सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनका कहना है कि नए बस स्टैंड बैडिया में बस के आने जाने के लिए एक ही द्वार है, जबकि मीठापुर में 3 रास्ते होने के बाद भी बसों को निकालने में परेशानी होती है। साथ ही उनका कहना है कि बस स्टाफ के लिए भी अब तक ठहरने की व्यवस्था नहीं की गई है, इन्हीं कारणों से बस मालिक शिफ्टिंग का विरोध कर रहे हैं। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के साथ ही पार्टी के लोकसभा व राज्यसभा के सभी सांसद व अन्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। आज की बैठक के बाद संभवतः जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। इनमें ललन सिंह, आरसीपी सिंह के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के नाम को भी लेकर चर्चा हो रही थी, जिसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक से पहले ही स्थिति को साफ कर दिया है। कुशवाहा ने कहा कि वे इस रेस में नहीं है, आरसीपी सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक में संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा होनी है। यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन राज्यों में पार्टी को कितने सीटों पर लड़ना है और किस तरह मजबूती से तैयारी की जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कुछ समय के लिए क्रिकेट से लिया ब्रेक। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट को अलविदा कहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीते दिन ही इसकी घोषणा की, बताते चले कि 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जीत के हीरो बेन स्टोक्स थे। ईसीबी ने स्टोक्स के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेन स्टोक्स अपनी बाईं तर्जनी उंगली के उपचार के लिए अगले सप्ताह होने वाली भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की टेस्ट टीम से अपना नाम वापस ले लिया है। बताते चले कि आईपीएल 14 में राजस्थान की तरफ से पंजाब टीम के खिलाफ मैच खेलने के दौरान वो चोटिल हो गए थे, ऐसे में अब वे उंगली का उपचार करवाने वाले हैं, जिस कारण भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वे इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बालू माफिया के अलावे बिहार सरकार को और किस किस क्षेत्र में सख्ती अपनाने की जरूरत है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।